ऐसी बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत रिवाज हो गया इसका। मेरे वालिद की जो भी कहानियाँ हैं उनकी किताबों में भी है, वो सच बात थी। सो कहने की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद किसी को नहीं भेजा होगा। पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, उसमें कोई लोग अपने तौर पे भी होते हैं, और बहरहाल उनकी पार्टी से कोई साहब गए थे और उन्होंने उनको रिश्वत पेश की थी मेरे अब्बा को, और उन्होंने उनको जवाब दे दिया था। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भेजा था या उन्होंने लिफाफा भिजवाया था। सो इसको ट्विस्ट करने से क्या होता है कि उनकी तो क्रेडिबिलिटी ख़राब क्या होगी, मेरी अपनी होगी ख़राब। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी सियासी पार्टी को या उनके लीडर को इस तरह सिंगल आउट करूँ, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो इमरान खान हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब। उनकी हुकूमतों में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ हुए, सबके हुए, सब ने किया। ज़ियाउल हक़ साहब से शुरू करें, तब भी परवेज़ मुशर्रफ़ साहब से करें, तब भी जरदारी साहब से करें, तब भी सब हुकूमतों ने कॉम्प्रोमाइज़ की, गलतियाँ की, और हमने भुगती और भुगत रहे। लेकिन मैंने कभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिया कि मेरी स्टेटमेंट मेरे पास होती है, जब वोट देने का वक्त आएगा तो फैसला मैं कर लूँगी। मगर बहरहाल मेरी तरफ से अगर, क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइटर वेन में बयान किया, लोगों ने उस बात को ऐसे लिया और फिर ये कहा कि नवाज शरीफ ने लिफाफा दिया था, ऐसा नहीं है। वो हमारे लीडर हैं, कुछ काम उनकी हुकूमतों ने अच्छे किए, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पंजाब को बदल दिया, और उन्होंने बदल दिया। इमरान खान साहब ने अस्पताल बनाया, एक कराची में बना रहे हैं, नंबर यूनिवर्सिटी बनाई, तो उन्होंने वो अच्छा काम किया तो किया। जरदारी साहब ने भी कुछ वोकेशनल सेंटर्स मैंने सुना है बनाए हैं इंटीरियर सिंध में, कुछ शायद मेरी नॉलेज महदूद है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा शिकवा पीपल्स पार्टी से है कि वो इंटीरियर सिंध को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, मुझे नहीं पता। MQM से मेरा शिकवा है कि उन्होंने कराची को कभी उस तरह से नहीं डेवलप किया जिस तरह उनके पास जब इख्तियार थे। तो ये चीज़ें मेरी अपनी एक शहरी होने के नाते से हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे किसी भी पार्टी के साथ अटैच करे या किसी के खिलाफ अटैच करे। जो भी है, नवाज शरीफ साहब एक लीडर तो हैं, जरदारी साहब हमारे एक लीडर तो हैं, और बेनज़ीर भुट्टो हमारी आइडियल लीडर थी। परवेज़ मुशर्रफ़ को हम बहुत अच्छा, हमें अच्छे लगते थे क्योंकि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करते थे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह इमरान खान भी जब इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है। गलतियां सबसे होती हैं और हुई हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो हुकूमतों के साथ या लीडरों ने किए, सियासी लीडरों ने, उससे हमें नुकसान हुआ है, और ये एक हकीकत है। मैं इससे बिल्कुल नहीं डिनाई करूँगी। अब मुझे लोग कह रहे हैं आपको तो डरा दिया होगा, आपको लोग पता नहीं उठा के ले जाएंगे। भाई क्यों ले जाएंगे, मैं इस मुल्क में रहती हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आई, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन अपने पास रखती हूँ। सो प्लीज़ इस बात को ज़्यादा मत उछालें, बात का पतंगड़ ना बनाएं। और मैं एज पोलिटिकल लीडर्स, सबकी एक अपनी जगह है और उनकी मैं इज्जत करती हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बात को ज़्यादा उछालें नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।